इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज आप तक पहुंचा दें। ओवैसी के समर्थन में उतरे हैं एसटी हसन। ओवैसी के फिलिस्तीन वाले बयान पर भी प्रतिक्रिया दी है और प्रतिक्रिया में क्या कहा है ये बताएं कि ओवैसी ने जो बयान दिया था उस पर ओवैसी के बयान को लोकसभा की कार्यवाही से हटाया गया था। ओवैसी के फिलिस्तीन वाले बयान पर विपक्ष ने विरोध दर्ज किया था। तो आपको ये बता दें कि एसटी हसन ने ओवैसी के बयान पर प्रतिक्रिया दी है और आपको ये बता दें कि बयान का एसटी हसन ने समर्थन भी किया है। आपको ये बताया कि ओवैसी ने संसद की शपथ के बाद एक विवादास्पद बयान दिया था। शपथ के बाद उन्होंने फिलिस्तीन को लेकर बयान दिया था जिसे लेकर खूब हंगामा हुआ। बयान को लोकसभा की कार्यवाही से भी हटा दिया गया था लेकिन अब इस पर एसटी हसन ने उनका समर्थन किया है। पूरा मामला क्या है एक रिपोर्ट में हम समझते हैं। समाजवादी पार्टी के पूर्व सांसद एसटी हसन ओवैसी के समर्थन में उतर आए। उन्होंने ओवैसी के फिलिस्तीन पर दिए गए विवादास्पद बयान पर प्रतिक्रिया दी और कहा कि उन्होंने भी फिलिस्तीन में इंसानियत पर जुल्म का मुद्दा पार्लियामेंट में उठाया था। देखिए हिंदू राष्ट्र तो अगेंस्ट हमारे संविधान के, लेकिन हम वासुदेव कुटुम्बकम के रास्ते पे चलते हैं, उससे हमने तमाम दुनिया को मैसेज दिए। एसटी हसन ने असदुद्दीन ओवैसी के लोकसभा में फिलिस्तीन वाले बयान को सही ठहराया। ओवैसी ने लोकसभा के सदस्य के तौर पर शपथ लेने के बाद फिलिस्तीन पर बयान दिया था जिसे लेकर उनका विरोध भी किया गया था। कुछ लोगों ने दिल्ली में ओवैसी के घर की नेम प्लेट पर काली पोत दी थी और उनके खिलाफ पोस्टर लगाए थे।